Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. So, in your subject of social studies, we are going to start our chapter number one, the globe. So, if I ask you, what is the globe? Toh kya definition hai globe ki? So, you will answer me, a small model of the earth is called globe. ग्लोब क्या है? एक छोटा सा मॉडल है अर्थ का, यानी कि एक पूरी अर्थ हम किस मॉडल पे दिखाते हैं उसको हम ग्लोब बोलते हैं. ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. पहले हम देखेंगे ये जो अर्थ हम पढ़ रहे हैं इसकी शेप क्या है और वो शेप किसने दी है. पुराने ज़माने में, एंशंट पीरियड में क्या होता था, लोगों को नहीं पता था अर्थ की शेप क्या है. जब वो इर्द गिर्द देखते थे, अपने पैरों के नीचे देखते थे, तो अर्थ हम भी अगर देखेंगे आज भी तो हमें क्या नज़र आएगी? फ्लैट. इट इज़ मोर और लेस फ्लैट. तो कोई भी क्या बोलेगा, कोई भी लेमैन बोल सकता है कि अर्थ फ्लैट है. लेकिन कुछ टाइम के बाद एक स्कॉलर आए जिन्होंने इस पर स्टडी की और उन्होंने बोला कि अर्थ की जो एक्चुअल शेप है दैट इज़ राउंड. वो स्कॉलर थे फर्डिनेंड मैगेलन. After some time, बहुत सारी studies हुई इस पर और आज अगर हमसे पूछा जाता है हम बोलते हैं कि जैसी शेप ऑरेंज की है बिल्कुल वैसी ही शेप अर्थ की है. सो अर्थ इज़ मोर और लेस स्फेरिकल इन शेप. ओके, टू बी मोर अप्रोप्रिएट हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल है. इट इज़ स्फेरिकल इन शेप. अर्थ क्या है? अर्थ इज़ वन ऑफ द प्लैनेट्स, राइट, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे वाटर है, लैंड है ना, एयर है. एस्ट्रोनॉट्स जब अर्थ को आउटर स्पेस से देखते हैं तो उनको क्या नज़र आती है? अर्थ ब्लू इन कलर. व्हाई? ऐसा क्यों होता है कि अर्थ ब्लू कलर में आती है नज़र? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का जो ज़्यादा एरिया है वो वाटर से कवर्ड है. तभी हमें अर्थ वहाँ से एस्ट्रोनॉट्स को क्या नज़र आती है? ब्लू इन कलर. तो इसी अर्थ को डिटेल में पढ़ने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए दो टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लोब एंड मैप्स. हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ग्लोब. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक कुछ और फीचर्स हैं जो हमें अर्थ के बारे में पता होनी चाहिए. नंबर वन इज़ रिवोल्यूशन. अर्थ जो है वो जो रिवॉल्व होती है एक फिक्स्ड पाथ पे, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. Why fixed path? क्योंकि हमेशा ये इसी पाथ से रिवॉल्व होती है, इसका पाथ चेंज नहीं होता है. ऐसे ही रिवॉल्व इर्द गिर्द घूमती है. किसके इर्द गिर्द घूमती है? सन के इर्द गिर्द. सो अर्थ मूव्स और रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. और इस मोशन को, ये जो सर्क्यूलर वे में घूम रही है अर्थ सन के इर्द गिर्द, इस पूरे प्रोसेस को रिवोल्यूशन बोला जाता है. इस रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? इस रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं. तो रिवोल्यूशन कॉजेज व्हाट? रिवोल्यूशन कॉजेज सीजन्स, द चेंज ऑफ सीजन्स, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग. ये सीजन्स जो हम देखते हैं ये इसी रिवोल्यूशन की वजह से हैं. नंबर सेकेंड इज अर्थ का रोटेट करना. अर्थ स्पिन होती है एक ही जगह ऑन इट्स ओन एक्सिस. पहले हमने देखा सन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. और अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज़ ऑन इट्स ओन एक्सिस, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं. ये जो एक्सिस है दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन, यानी कि ये सच में अर्थ में नहीं है, ये हमारे लिए है, हमारी समझने के लिए है, ताकि हमें कन्वीनियंस हो समझने में, ईजी हो समझने में. तो ये जो आप एक समझो एक लाइन है जो अर्थ के बीचों बीच पास होती है, जो दो पोल्स बनाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. बिल्कुल जैसे एक टॉप होता है ना, जैसे वो घूमता है वैसे ही अर्थ घूमती है एक ही जगह, ठीक है. तो इस अर्थ के एक ही जगह घूमने से ऑन इट्स ओन एक्सिस, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से डे एंड नाइट्स बनते हैं.
तो हमने क्या सीखा, रिवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं. रिवोल्यूशन कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन्स एंड रोटेशन से क्या होता है, ऑकरेंस ऑफ डेज एंड नाइट्स. ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है. सो विल कंटिन्यू टुमारो, दिस इज इट फॉर द डे. कल हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्लोब. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.